sorry, last lecture, we already learned about poem, The Dust of Snow. And question answer, I think, three questions completed. Okay. Now, we will see introduction of poem. वो मैंने आपको बोला था कि वो next lecture में जो additional questions है जो बहुत important है वो question discuss करना बहुत important है. उसके साथ थोड़ा poet का introduction जो है वो भी हम discuss करेंगे. Okay, we will start about the poets. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. By 1920s, Frost was a most celebrated poet. Born hona theek hai, mother father theek hai. Okay, aap kya ho? Bahut better kar rahe ho. बहुत क्या सब वही आप क्या आपकी आइडेंटिटी क्या है आप फेमस हो तो वो चीज मैटर करती है. फ्रॉस्ट जो थे वो अपने आप में फेमस थे अपने वर्क्स के लिए फेमस थे ना कि फादर रिलेटेड मदर रिलेटेड. हमें इतना ही पोएटिकल वर्क्स की जो पोएटिकल वर्क्स है वो है अ बॉयज विल 1913 में हुआ था रिलीज पब्लिश. नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 ओके बहुत सारे हैं. स्टीफन बुश एंड इन द क्लियरिंग इंक्रीज इज फेम एंड ऑनर बहुत ज्यादा ऑनर और फेम गेन करते रहे. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वाज पब्लिश्ड इन अ न्यू हेमिस्फीयर इन 1923. दिस कलेक्शन गेव हिम अ पुलित्जर प्राइज. इस कलेक्शन के लिए उनको प्राइज भी मिला है जहाँ इंडिया में बोलते हैं ना पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्मश्री ऐसे अवार्ड्स जो है वहां पे है पुलित्जर लिटरेचर के लिए. तो उसका ये जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो है वो कलेक्शन है उसके लिए उनको अवार्ड भी मिल चुका है. ओके, जो मेन पॉइंट्स पोएम वो एक बार देख लेते हैं एंड देन एडिशनल क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर कोई एडिशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कवर हो जाते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में. हमारा एजुकेशन आंसर ऑलरेडी हमने जो किया लास्ट लेक्चर में तो उसमें कवर्ड है तो उनको नहीं हम रिपीट करेंगे. बट जो क्वेश्चन आंसर बाकी है उसको देख लेते हैं. मेन पॉइंट्स जो पॉइंट्स जो है हमारा मतलब कि आप समझ लो पोएम का बिगिनिंग और उसका एंड सब इस पॉइंट्स में कवर्ड है. ओके, तो लिसन कैरफुली. इट इज अ विंटर्स डे. वो हमें किससे पता चलता है कि विंटर था. सो वाज इट ऑफ कोर्स यस द ट्री टॉप्स वेयर कवर्ड विद मासेस ऑफ स्नो फ्लेक्स. ओके, पोएट वाज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री. दिस ट्री वाज हेमलॉक ट्री associated with poisonous qualities. A crow alighted on a hemlock tree suddenly. The sudden movement of the crow started falling down the snowflakes started falling down the tree. The snowflakes fell down upon the poet who was standing under the tree. The mass of snowflakes fine that it looked like a dust of white snow. The sudden movement and arrival of the crow and the falling of the flakes of snow looked like just ordinary happenings. Crow ka baithna fir uska nikla aur pura agar covered head tree snow se to bird obvious hai. बर्ड बैठेगा तो वो सब शूट होगा पूरा ट्री का ब्रांच तो जो ब्रांच के लीव्स हैं उसके ऊपर जो स्नो है वो फॉल डाउन करना. मींस इट इज बोल रहे हैं बहुत ही ऑर्डिनरी हैपनिंग्स हैं
वर्ड बैठेगा तो मिलेगा, ब्रांच ब्रांच मिलेगा तो इसमें होगा तो मिलेगा, लेकिन तो ऑल नेचुरल एंड ऑर्डिनरी थिंग्स, बट जो मूड था ना वो ऑर्डिनरी, जो सैड था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट उस पे आया, बाकी सब ऑर्डिनरी था, मूड किया था।
बढ़िया क्वेश्चन है आप देखो। पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो तो होता ही है, तभी तो हम पोएट्री लिखते हैं। देखो बहुत भयानक समय में आप ना मॉनसून क्रिएट कर सकते हो, एकदम विंटर का जो एटमोस्फियर होता है ना, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो थ्रू योर पोएट्री। कल्पना है, इमेजिनेशन है, आप उड़ सकते हो, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ भी आप बिल्ड कर सकते हो, मतलब वो एक पावर है, वर्ड्स में पावर है। सच में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है आपके वर्ड का पावर, शब्दों का जो मतलब शब्दों की ताकत, ऐसा है ना, क्या है तलवार से ज्यादा मतलब कलम में ताकत ज्यादा होती है, तो क्या है कलम पेन नो वर्ड्स, आप जो लिखते हो वो एक तो इमॉर्टल हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके रेलिवेंस अमर हो जाता है। देखो आज भी हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है ओके वो रीच है, किससे रीच है, शेक्सपियर जो सारी नॉवेल्स है उसके जो वर्क्स है जितना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मिल्टन है, जॉन क्विक्स से बहुत, पर बर्नार्ड शो तो वो सारे जो है उन्होंने जो पावर यूज किया वर्ड्स में, आज भी हम उनके फैन हैं। संस्कृत है तो उसके कवि कालिदास है, उन्होंने मतलब पूरा माइंड पूरा जो है भर दिया, कुदरत से भर दिया, इतना नेचर का एक्सप्लेन किया, इतना डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है कि हम प्यार करने लगे उस चीज को। सच में अगर आप आपके पास टाइम हो तो मतलब अदर बुक्स पढ़ने का भी तो नहीं, पर अगर टाइम हो तो आपको अदर बुक्स भी पढ़नी चाहिए। कहीं पे मतलब जैसे विवेकानंद को आप पढ़ोगे अच्छा है पढ़ाओ, पर कई बार कुछ फिलोसॉफिकल पढ़ो हर बार तो आपको इरिटेट कर देगी। सच जो भी हमेशा मैं रिलेट करती हूँ ना, तो स्टूडेंट की लाइफ के साथ रिलेट करती हूँ कि अगर मुझे कोई बोले तो मुझे पूरा फिलोसॉफिकल या तुम्हें ज्यादा ज्यादा नॉलेज नॉलेज, तो थोड़ा माइंड जो है ना वो टफ चीजों के लिए रेडी नहीं होता है, उसे रेडी करना पड़ता है। उसके लिए क्या होगा कि आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली करना है, वी फील स्ट्रेस। उनके बीच में कोई लाइट वेट पोएम हो, कोई लाइट वेट या फिर ऐसे मतलब कॉमिक जो होते हैं मतलब कॉमेडी, जैसे कोई शेक्सपियर जो है ना उसकी नॉवेल्स, मैं आपको नाम तो नहीं अभी एलिमेंट याद आएगा, वो बहुत ही मतलब पेट पकड़ के आप हंसोगे इतना आपको, तो ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए बीच बीच में, ऐसे नहीं कि जब पूरा लाइफ आपका कॉमेडी बना के रख दो, पर अपने माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। हमेशा पढ़ो 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 ऐसे नहीं, बीच बीच में आप जो है अपने आप को लाइट करना भी सीखना चाहिए। हम स्ट्रेस नहीं दे सकते ऑल टाइम, अगर स्ट्रेस दिया तो उसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा कि माइंड पूरा आपके खिलाफ हो जाएगा, रिवॉल्व करेगा, फिर आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा, फिर जब मन चाह पढ़ने बैठ गए तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने उसे रिलैक्स नहीं किया। वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट स्टडी के साथ थोड़े थोड़े कुछ भी थोड़ा गैप ले लो, कुछ मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पॉजिटिव वे सर्च करो उस पर थोड़ा, क्यों, किसी को गाने अच्छे लगते, एग्जाम्पल फॉर मी, मेरा मन बहुत ही मतलब हैक्टिक हो जाएगा शेड्यूल, तो बीच में जब मुझे रिलैक्स होता है होना होता है तो मैं अच्छे से अपने हाथ से चाय बनाती हूँ और फिर एकदम हाई वॉल्यूम में ना म्यूजिकल सॉन्ग चालू कर देती हूँ, एक दो एकदम मूड सेट हो जाता है कि हाँ रिलैक्स हो जाए, चलो अपना काम शुरू करो लाइक दैट। सो अपने माइंड को रिलैक्स भी करो, अपने माइंड को स्ट्रेस भी दो, एक ऑल ऑफ आप पे इस तरह से मैनेज करते हैं। अब ये डिस्कस करना था, हमने ऐसे ही बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, इट इज वेल नोन दैट पोएट्स हैव ग्रेट इमेजिनेटिव पावर, एक बात कह रहे थे इमेजिनेशन में एक बहुत बड़ा पावर होता है, हम जो चाहे इमेज कर लेते हैं, हम वो भी बन सकते हैं आपके इमेजिनेशन से, यस अब हम सलाम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ओके ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर द पोएट गिव्स हिज वर्क अ न्यू आइडिया एंड
हम बुराई तो अच्छा भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम रिलेट भी कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस को कि हाँ ऐसा तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस हुआ था लाइक दैट। दे डू डीप डाउन इनटू द ओशन ऑफ इमेजिनेशन एंड कैरी द वैल्यूएबल थिंग्स। अपनी इमेजिनेशन में इतने मतलब डूब जाओ, जैसे कि एक इमेजिनेशन एक ओशन है उसमें डूब जाओ और वैल्यूएबल थिंग्स लेके बाहर आओ। ऐसे नहीं कचरा जूता ऐसा नहीं, कुछ मोती सच्चे ओके और वो आप वर्ल्ड हो तो वो चीज वो जो आपका एफर्ट्स है वो माइंड में रहता है इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट वॉल्स इन हिज पोएम रिप्रेजेंट द क्रो एंड एंड ऑफ ट्री एज इनऑस्पिशियस बट व्हेन द क्रो शेक ऑफ द Till then, thank you.